रान रंडी ना बोला हूँ मैं रान हूँ मैं रंडी और तेरा ये बाबा बेचोदे साला। दोस्तों आगे आने वाली कहानी में बाबा पुलिस के हाथों पकड़े नजर आ रहे हैं, वहीं पम्मी पहलवान की एक बार फिर से होगी वापसी। दोस्तों क्या होने वाला है सीजन 4 में ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों आश्रम 3 में ईशा गुप्ता और बॉबी देओल ने जमकर बोल्ड सीन दिए हैं, उनकी फोटोज को देखकर फैंस ने दांतों तले उंगलियां दबा दी है। दोस्तों प्रकाश झा के डायरेक्शन में बनी वेब सीरीज 3 जून को एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम हो चुकी है। वेब सीरीज के 2 पार्ट्स के सक्सेस होने के बाद बॉबी देओल एक बार फिर एंटरटेन करने आ रहे हैं, और वहीं बता दें आपको कि उनके साथ इस बार ईशा गुप्ता भी नजर आ रही हैं। बता दें आपको कि वो बाबा निराला यानी बॉबी देओल के साथ इंटीमेट सीन करती नजर आ रही हैं। दोस्तों इस सीरीज की कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसे देखने के बाद आप भी बॉबी और ईशा गुप्ता के फैन हो जाएंगे। दोस्तों आश्रम 3 में बॉबी देओल और ईशा गुप्ता के बीच कई बोल्ड सीन हैं। ईशा गुप्ता एक गाने के दौरान अपनी क्लासिक मूव सिखाती है। इस गाने में उन्होंने पिंक कलर की साड़ी पहनी है। वेब सीरीज में ईशा गुप्ता ने अपने योग मूव से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। उन्होंने योगा से बाबा निराला को भी अपनी ओर आकर्षित किया है। बॉबी देओल ईशा गुप्ता के इंटीमेट से भरी हुई आश्रम 3 को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। बता दें कि बॉबी देओल और ईशा गुप्ता पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और उनकी केमिस्ट्री को काफी पसंद किया जा रहा है। उन पर दर्शकों ने खूब प्यार लुटाया है। ईशा गुप्ता ने आश्रम 3 में बॉबी देओल के साथ अपने इंटीमेट सीन को लेकर खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल जैसा कुछ भी नहीं है। जब इंडस्ट्री में 10 साल काम कर लिया हो आपने, मेरे लिए इस तरह का सीन देना तो मुमकिन होता है। अगर मैं पहली बार इस तरह का सीन शूट करती तो शायद मेरे लिए कुछ अजीब होता। वेब सीरीज आश्रम 3 में बॉबी देओल ईशा गुप्ता के अलावा चंदन लाल, अदिति पोहनकर, त्रिधा चौधरी और कुमार जैसे कलाकार हैं। आश्रम 3 को पसंद करने वाले के लिए एक खुशखबरी, इसका चौथा पार्ट जल्द आएगा। मेकर्स ने आश्रम 4 के टीजर्स को भी शेयर कर दिया है और आश्रम 4 का टीजर देखने के बाद अब फैन इसका भी इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।